बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं फहीम सिद्दीकी। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, हम मौजूद हैं आज का शाम का मोटो व्लॉग वीडियो आपकी खिदमत में क्लिफ्टन के इलाके में। और ये क्लिफ्टन का तीन तलवार का एरिया है, सिग्नल बंद है अभी। और यहाँ की फुटपाथ देखें, ग्रीन बेल्ट देखें, कैसी ज़बरदस्त खूबसूरत लश ग्रीन हो रही है। प्रॉपर पौधे लगे हुए हैं, घास भी ग्रीन, बहुत ही खूबसूरत मनाज़र। ये सामने आप तीन तलवार देख रहे हैं जहाँ से हम इस वक्त गुज़र रहे हैं। शाम का वक्त है, 4:30 बजे का। इमारतों पे बोर्ड्स लगे हुए हैं। काफ़ी मैस है यहाँ, शाम का वक्त है। ये देखें, फुटपाथ पे गाड़ियाँ पार्क हुई हैं, सब गाड़ियाँ फुटपाथ पे हैं। और यहाँ पे ये चालान हो रहा है, नो पार्किंग का बोर्ड है, फिर भी गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं। ये टैंकर ख़राब हो गया है। सब मनाजिर आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। नो पार्किंग के बोर्ड लगे होने के बावजूद गाड़ियाँ पार्क हो रही हैं, जबकि यहाँ पे नहीं है पार्किंग। यहाँ पुलिस कांस्टेबल मौजूद है और वो गाड़ियों को नहीं खड़ा होने दे रहे। सामने पेडिस्ट्रियन ब्रिज आ गया। लिफ्ट एंड कंट्रोल बोर्ड का ये इलाका है। सीधा जाएंगे तो अंडरपास आ जाएगा। कराची का सबसे पहला अंडरपास है ये, केपीटी का अंडरपास कहलाता है। और पानी में भी ये 2-3 दफ़ा डूब चुका है बारिश के पानी में। इसकी वीडियोस भी आपको मेरे चैनल पे मिल जाएंगी। यहाँ से आप उल्टे हाथ पे चले आएंगे तो करंगी की तरफ रास्ता जाता है, लेकिन हमने जाना है अंडरपास से होते हुए। ये कराची का पहला अंडरपास है ये। लगी भी है जो इस वक्त बंद है। सामने बुलंद वाला इमारतें आपको नजर आ रही हैं, खूबसूरत खूबसूरत सी। सिनेमा हाउसेस भी हैं इसमें, शॉपिंग मॉल है। ओशियन टावर है इसका नाम। खयाबान इकबाल है इस सड़क का नाम जिस पे से इस वक्त हम गुजर रहे हैं। हाईली सेंसिटिव और पोज इलाका है ये। एक और प्लाजा यहाँ पर, तमाम गाड़ियाँ फुटपाथ पे पार्क हैं यहाँ पर, क्योंकि पार्किंग की जगह ही नहीं है भाई। रही सही कसर रोड पे इस पहली लाइन में पूरी हो गई है, आपको लाइन से। और हम पहुंच गए हैं दो तलवार पे। सामने दो तलवार आपको नज़र आ रही है। लकड़ियों का ढेर जा रहा है सुजुकी पिकअप पर। क्लिफ्टन का
इलाका शुरू हो गया है यहाँ से, ओल्ड क्लिफ्टन कहलाता है। क्लिफ्टन यहीं से आबाद होना शुरू हुआ था और ये पार्क है यहाँ बराबर में। गहरे काफ़ी घने और सायादार दरख्त हैं यहाँ पर। पार्क का नाम है सलमान फारसी पार्क, हज़रत सलमान फारसी के नाम पर है। इस रोड पे कॉन्सुलेट्स भी हैं, ईरानी कॉन्सुलेट भी है, इटालियन भी है, इसके अलावा यूके का भी यहाँ पे ही ब्रिटिश लाइब्रेरी है। वो पीछे बैरी आइकॉन नज़र आ रहा है आपको। साफ़ सुथरी सड़कें, साफ सुथरा निज़ाम, इसे टूटी मुकम्मल तौर पे ठीक ठाक स्मूथ ट्रैफिक चल रहा है। आगे आ जाएगा अंडरपास अगर हम सीधा जाएंगे तो, वहाँ से उस अंडरपास से होते हुए हम राइट हैंड पे निकल जाएंगे। ऊपर से जाएंगे तो हम राइट हैंड पे वापस यू टर्न ले लेंगे, लेकिन हमने जाना है लेफ्ट हैंड साइड पे, जहाँ पे मज़ार है अब्दुल्ला शाह गाजी का। ये बैरी आइकॉन आपके सामने, तो ये अंडरपास है जो बैरी आइकॉन का है, और यहाँ से हमने लेफ्ट टर्न लिया। यहाँ भी रिक्शों की बादशाहत है भाई, जहाँ चाह रोक लिया, जहाँ चाह मुड़ गए। और ये अंडरपास आप देखिए, हम यहाँ से सीधा आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा इलाका दिखाते हैं। एक लेफ्ट टर्न का ब्लॉक 4-5 वगैरह है यहाँ पर। ये 26 स्ट्रीट कहलाती है DHA की। आठ पर टर्न करेंगे तो सीधी की तरफ रास्ता जाता है, और ये है फ्लाई ओवर बैरिया का। हम यहाँ नीचे से चलेंगे, राइट हैंड पर टर्न करेंगे और सीधा चले आएंगे तो 26 स्ट्रीट है, जो DHA की कमर्शियल स्ट्रीट है, बहुत दूर तक जाती है, काफ़ी लंबी स्ट्रीट है ये। और ये फुटपाथ यहाँ पर कबूतरों की बारात मौजूद है, पूरी दाना डाला जा रहा है उन्हें। और ये है मज़ार सीधे हाथ पे अब्दुल्ला शाह गाजी का। आगे बढ़ते हैं, काफ़ी घने दरख्त हैं यहाँ पे, साया बहुत ज़बरदस्त है यहाँ पर। ये सराउंडिंग का इलाका आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, यहाँ पे रेस्टोरेंट्स घरों में बहुत बने हुए हैं। सब रेस्टोरेंट हैं, तकरीबन हर घर ही यहाँ पे कमर्शियल है। सीधा स्ट्रेट जाएंगे तो सी व्यू की तरफ रास्ता जा रहा है ये। राइट हैंड पे टर्न करेंगे तो स्लाइटली ज़रा सा टर्न करेंगे तो आप क्लिफ्टन चले आएंगे, क्लिफ्टन की साहिल पर, और लेफ्ट हैंड पे टर्न करेंगे तो आप सी व्यू की तरफ चले जाएंगे। सामने
पिकअप सुजुकी पिकअप पे लोग देखें किस तरीके से ख़तरनाक तरीके से सफ़र कर रहे हैं, कोई भी हादसा रोनुमा हो सकता है। बच्चे हैं और तीनों इस वक्त बाल लटके हुए हैं। क्लिफ्टन के मुख्तलिफ ब्लॉक से हम गुज़रते हुए यहाँ तक पहुँचे हैं, सामने चौरंगी आ गई है। यहाँ से हम लेफ्ट टर्न लेते हैं और ये सामने आ गया है डॉलमेन मॉल। ये डॉलमेन मॉल क्लिफ्टन का खासा रश रहता है, यहाँ पे चालान करने हैं मसरूफ, ट्रैफिक जाम में फंसी हुई है। ये डॉलमेन मॉल की एंट्रेंस है, रोड क्रॉस कर रही हैं खवातीन, इसलिए गाड़ियाँ रुकी हुई हैं। ये रेड बस जा रही है साहिल समुंदर की तरफ। यहाँ पे फूड के होटल यहाँ बने हुए हैं चाय वगैरह के। बड़ी तादाद में शहर के मुख्तलिफ हिस्सों से लोग पर घूमने फिरने के लिए आते हैं। डॉलमेन मॉल भी एक घूमने फिरने की जगह है जहाँ लोग इंजॉयमेंट करते हैं। यहाँ सीधे हाथ पे आप आएंगे तो समुद्र शुरू हो जाएगा। देख रहे हैं आप कितना साफ सुथरा निज़ाम है, बिल्कुल साफ़ सुथरी सड़कें हैं, दरख्त मौजूद हैं, साफ़ सुथरे सर्विस रोड्स हैं, पौधे लगे हुए हैं, हर निज़ाम बेहतरीन चल रहा है। सामने से एक रेड बस भी आ रही है, R10 उसका नंबर है। मस्जिद बनी हुई है बहुत खूबसूरत सी, हमने आपसे शेयर की। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, मुझे इजाज़त दें, देखें गाय सब और ये सुजुकी का चलान हो रहा है। तो मुझे इजाज़त दें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम, फी अमानिल्लाह, पाकिस्तान जिंदाबाद।